मुझे एक वाक्य याद आता है, इसी इसी शहंशाह आश्रम में एक वर्कशॉप के दौरान एक शिक्षिका से मेरी बातचीत हो रही थी और उनके संग किसी ने कुछ मिसबिहेव किया था, छोटा सा कोई बात थी और मैं वहीं थी और उन्होंने बहुत मुस्कुरा के उसको इग्नोर किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा मुझे बुरा तो नहीं लगा प्रतिभा, लेकिन मुझे लगा कि वो व्यक्ति जो है उसे मदद की ज़रूरत है, वो तकलीफ़ में है, उसे पता ही नहीं है कि वो किस तरह का बिहेव कर रहा है। हम तो समझ ले रहे हैं कि वो किस तरह से आ रहा है, तो ये जो लोग हैं ये इनको छोड़ नहीं सकते, हमारी पक्षधरता उन तक जाती है कि हमें उनको कैसे समझाना है, कैसे बात करनी है। तो ये जो युद्ध है ये बहुत बड़ा युद्ध है, ये एक कविता, एक कहानी, एक पुरस्कार, एक संग्रह भर का युद्ध नहीं है। ये हर सांस, हर रात आपको सोने ना दे, बेचैनी में आप करवट बदलें और उठ के बैठ जाएं, पानी पिएं, पसीना आ जाए और आप कहें कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि समय तो ऐसा ही है, हमारे चारों तरफ जो समय है वो हमें चैन से सोने देने वाला समय है ही नहीं। तो इस तरह की पक्षधारताएँ जो एक्वायर कर लेने वाली पक्षधारताएँ हैं, इनसे हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कि भाई आपने पता है कि ये एक ट्रेंड है, इस तरह की कविताएं आजकल लिखी जा रही हैं, तो हम लिख लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, 10 संग्रह पढ़िए दुनिया भर के लोगों की, आपके पास अच्छी भाषा है, संवेदना का थोड़ा बहुत है, तड़का लगा के अच्छी कविताएं लिखी जा सकती है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। लेकिन वो कविता जो आपके दिल में धड़कती रहती है, आपके नज़ में रगों में बहती रहती है, जो आपका जीना हराम किए रहती है, वो कविता कहाँ है? मैं उस कविता को ढूंढती हूँ, मैं उस कहानी को ढूंढती हूँ, मैं उस शब्द को, उस व्यक्ति को ढूंढती हूँ, जो वो जीवन में हो या ना हो, लेकिन मैं उसके पीछे भटकती रहती हूँ कि उसने मेरे भीतर कुछ जगा दिया, वो कविता कहाँ है? वो चेतना, वो पक्षधरता, उसे नहीं आता भाषा देना, उसे नहीं आती अपनी बात रखनी भी, लेकिन उसे ये पता है कि उसे जीना आता है और उसका जीना तो ऐसा ही है। तो इस तरह मैं देखती हूँ ये टेक्निकली, मैंने एक चीज़ और लिखी थी बात करने के लिए, वही जो हो भी गई है कि टेक्निकली राइट और पॉलिटिकली करेक्ट होने का मसला जो है, जो काफ़ी हद तक जुड़ भी चुका है इस बात से। अब एक और जो चिंता की बात है कि ये तय कैसे होता है, जो हमारी चेतना आपकी चेतना से अलग कैसे होती है, कैसे इन दोनों में टकराव होता है, वजह क्या है? अचानक जो किसी बाबा जी के दर्शन में जो बैठे हुए लोग हैं, हुजूम है, हज़ारों लाखों लोग, क्या उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, उपेक्षा कर देनी चाहिए? वो क्या ख़राब लोग हैं? वो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं तो क्या वो ख़राब लोग हैं? वो क्यों हो रहा है? इसका बीज क्या है? इसकी जड़ कहाँ है? जेनेसिस क्या है? क्या हमने कभी ध्यान दिया है कि जेनेसिस क्या है? एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, एजुकेशन का टूल है। मुझे हमेशा आप देखिए ना कि जहाँ तालिबानी संस्कृतियाँ होती हैं, शिक्षा पर सीधा आक्रमण करती हैं, आपकी पाठ्य पुस्तकें बदली जाने लगती हैं। क्यों? क्योंकि आपके रगों में घोल देना चाहते हैं एक खास किस्म की पक्षधरता, एक खास किस्म की चेतना, एक खास किस्म का दिया, कि आप वही देखें जो दिखाया जा रहा है, आप वो ना देखें जो दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए आप कभी उसके समझ में नहीं, आप समक्ष जा ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जो बात कही जा रही है दरअसल मेरे ही हक की बात है, लेकिन मुझे तो खराब लग रही है, क्यों? तो ये जो 2-3 मसले हैं, जो सवाल हैं मेरे, मुझे बहुत परेशान करते रहते हैं कि ये आखिर इनसे कैसे लड़ेंगे। तो ये एक तरीके के, अरुण देव जी ने मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दिया ही है, पर एक युद्ध में फिर से वापस ढकेल दिया है कि कैसे इस तिलिस्म से निकला जाए और कैसे एक सरल, सहज, बहुत ही बुनियादी किस्म की बात हो, बहुत कलात्मक ना हो, बहुत क्लासिक ना हो, लेकिन दिल में एकदम ठग से लग जाए कि भाई यही तो बात थी। तो मुझे एक अपनी बात को समेटती हूँ, मैं काफ़ी टूटी बिखरी बात है, मैं समझती हूँ। एक बात मैं कहूँगी कि रिल्के की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि हम लिखते क्यों लिखते हैं, कविता या कहानी कुछ भी, हालांकि उन्होंने कविता के संदर्भ में ही बात कही थी कि क्या आपका जीना जब हराम हो जाए और आप लिखे बिना रह ना सकें, बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल तड़प की बात हो जाए कि अब आप नहीं लिखेंगे तो हम मर जाएंगे, तब आप लिखिए, क्या हम ऐसा करते हैं? ये जो तमाम संचार माध्यम है, इन्होंने हमें क्या कर दिया है? हमें युद्ध लड़ने ही नहीं दिया, हमारे भीतर युद्ध जन्म ही नहीं हो रहे हैं, हम उन युद्धों में जा ही नहीं पा रहे हैं और हम लिखकर बहुत बड़े कवि भी हो जाते हैं। हम अचानक कहने लगते हैं हमारी 15-20 कविताएं संग्रह आ चुके हैं, अच्छा ठीक है तो क्या करें, तो क्या करें? मेरे जीवन में कौन सी कविता आती है तुम्हारी जो मुझे बेचैन करती है, जो मेरा हाथ थामती है, जो बहुत सारी तैयारी के साथ अभी साथी थे यहाँ पर, बहुत सारी कविताएं हैं, क्यों पलट के जाना पड़े? ये जो युद्ध, हमारे भीतर का युद्ध जो मर गया है,
ये हमारी पक्षधरता और चेतना को पकड़ के रखने के लिए हमारी एक तरीके का अवेयरनेस है ये बातचीत है कि हम वापस अपने युद्धों में लौटें, अपने अपने भीतर लौटें। लिखना पढ़ना, लिखना तो बहुत बाद की बात है, कवि होना मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अभी नूतन जी का संग्रह होने वाला है विमोचन, और मैं बहुत श्रद्धा से उनको देख रही हूँ कि कवि होना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे जब किसी ने पहली बार कवि कहा था तो सचमुच यकीन मानिए मेरी आंखें भर आई थी, मैं रो पड़ी थी कि मत कहिए मुझे कि मैं इस लायक नहीं हूँ। बहुत पवित्रता का काम है, बहुत ही ऊंचाइयों का काम है कवि होना, क्योंकि यहीं आप झूठ नहीं बोल सकते, यहीं पर आप अप्राकृतिक अनैचुरल टेक्निकल नहीं हो सकते। तो ये जो पवित्रता है कविता की, खूबसूरती जो है, वो बाकी विधाओं से थोड़ा बेहतर, थोड़ा उसको ऊंचा दर्जा देती है, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा अपना निजी मानना है। बात को मैं समेटती हूँ। रमाशंकर विद्रोही जी मेरे बहुत ही प्यारे अजीज कवि हैं, अब नहीं रहे इस दुनिया में, जेएनयू से थे वो। उनकी कविता को याद करते हुए कि वो ये कहते थे कि मैं आसमान में धान बोना चाहता हूँ, मैं आसमान में धान बोना चाहता हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं, अरे पगले, आसमान में कोई धान बोता है क्या? तो मैं उनसे कहता हूँ कि जब धरती पे ईश्वर पैदा हो सकता है तो आसमान में धान पैदा क्यों नहीं हो सकता? तो अब तो मेरी जिद है कि या तो धरती से ईश्वर उठेगा या आसमान में धान पैदा होगा। शुक्रिया।